पूरी समर्पित समर्पित भाव से काम करने वाली पार्टी रही। इसमें तो ये कि राम नाम की लूटे और लूटो जैसे लूट अंतकाल पछताओगे कहाँ जाएंगे झूठ। जो लूटने वाले लोग हैं उनकी वैल्यू है, उनकी कदर है यहाँ। बाकी जो आदमी अपने, मैं कह रहा हूँ तो आपके साथ, मैं एक पहले एक कप चाय का दागी नहीं हूँ। जब जब अभी कोई संभावना बची भाजपा में रहने की, पूरे मन बना लिया है समय तो बीजेपी के नेता मनोबल करने आते मनाने आते तो मानेंगे बीजेपी रहने के लिए। पूरे देश मनो बीजेपी कितना वाली पार्टी नहीं रही क्या? जो कार्यकर्ताओं की जो पहुंच हुआ करते, भाजपा को कितना कष्ट हो रहा है। आखिर आपकी जिम्मेदार कौन है शर्मा जी? आप जैसे इस पीड़ा का जिम्मेदार कौन है? गऊ हत्या की जाती है, मजदूर में आदमी पार्टी छोड़ता है। आप अच्छी तरह जानते हैं जिस पार्टी ने पूरा जीवन दे दिया हो, पूरा तन और मन और धन दे दिया हो, और तो इस बिल्डिंग पर आप खड़े हुए हो, ये भाजपा का कार्य है तो अब अपना है। यहीं से पूरा भाजपा का संचालन हुआ और पूरा बिल्डिंग समर्पित कर दिए, तो कोई आदमी खुशी से तो छोड़ेगा नहीं। कोई घर से कोई जाएगा खुशी से नहीं जाएगा, कोई बहुत ही दुखी होगा, उसका मुसीबत होगी, वो उसको परेशान किया जाएगा, उससे वादा खिलाफ की जाएगी, बार बार धोखा दिया जाएगा, उसके बाद ही कोई आदमी छोड़ जाता है। तो मैं बहुत दुखी मन से, बहुत ही व्यथित होकर मैंने आज भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा दिया है, क्यों मैंने हमेशा पार्टी संगठन में काम किया, पूरी निष्ठा से किया, पूरी ईमानदारी से किया, पूरे समर्पित भाव से किया और पूरे तन और मन और धन से किया है, इसलिए आज मैंने इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी से। आपका कदम क्या होगा? देखिए आप लोग अच्छी तरह जानते हैं हमारे साथ कम से कम पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, हजार लाखों की संख्या, क्यों मथुरा जनपद में कम से कम 1,00,000 लोगों से ज़्यादा ने अपना सेवा की है, नए स्वार्थ की है और अपने निजी पैसे से की है, 20 लोगों की कमाई से की है। मैंने कोई पार्टी की निर्देश नहीं की है और न कभी पार्टी को अपेक्षा की थी। जब मैं इस्तीफा देने का कारण यह मैंने कोई अपेक्षा नहीं की और पार्टी बार बार वायदा करके और वायदा खिलाफ ही करती रही। इतना बड़ा मेरा शोषण हुआ है जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, और अभी जो आगे का जो स्टेप रहेगा, जो मेरे शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, जो जिले की जनता है, जनता सम्मानित जनता है, वो जो तय करेगी वो मैं काम करूँगा। अभी आपके क्या पद है बीजेपी में? मेरे पास कोई पद नहीं, मेरे पास जो आपका प्रदेश कार्यकारी मेंबर बना रखा था राष्ट्रीय परिषद, उनकी बैठक 6 महीने में एक बार होती है, वहाँ अपने पैसे जाइए, बैठक करके चले आइए, कोई एक पैसे को लेना देना। शर्मा जी आप बात करें तो किसको आप मेन वजह मानते हैं जिसकी वजह से आपकी टिकट कटी है? आप देखिए क्षेत्रीय नेतृत्व, क्षेत्रीय नेतृत्व पूरा अपने समर्थन में था, प्रदेश में एक व्यक्ति को छोड़ दिया, पूरा प्रदेश का नेतृत्व हमारे साथ था, और तो और केंद्र वाले भी हमारे उसमें थे, ये कुछ चंद्र लोग जो हमेशा योगी जी को हराना चाहते हैं, योगी जी को देखना नहीं चाहते हैं, उन साजिश के तहत ये हमारे जैसे लोगों के साथ मतलब अन्याय अत्याचार करके बार बार धोखा देके ये योगी जी को देखना नहीं चाहते हैं। उन्हीं लोगों की चाल है जो अपना खाओ और खिलाओ। अब देख लो ना रिफाइनरी से 25 करोड़ CSR फंड कहाँ गया, कहाँ लगा? एक ब्लॉक में सांसद निधि कहाँ चली गई? ब्लॉक का पैसा कहाँ गया? भाजपा के वर्तमान प्रत्याशी, और मैं ये जानना चाहता हूँ जिनके पास केवल 1 बीघा खेत है, मैं तो अंग्रेजी गवर्नमेंट से जमींदार था, अपने क्षेत्र में 700 का जमींदार, आज भी 700 का जमींदार हूँ, उनके पास कहाँ से आ रहा है ये पैसा?
जब एक बीघा खेत आता है जो 50-50 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, 5-5 पेट्रोल पंप हैं, इतने फ्लैट हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? लूट हो रही है। वो लूट में मैं शामिल नहीं हो सकता, मेरे लिए करोड़ों रुपये भ्रष्टाचार बराबर हैं। अब वहाँ लुटेरे लोग चाहिए, लुटेरे जो खाएंगे और खिलाएंगे तभी तो उनका ये है।